वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शामी दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे कि मैं अभिनेत्री वाद्य के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की हूँ और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे नगारा, पखावज, तबला, ढोल, इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसी वाद्य यंत्र के अंतर्गत ढाक और डमरू, ये दो वाद्य यंत्र के बारे में मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले ढाक के बारे में। ढाक वाद्य यंत्र यह ढोल या ढोलक की ही बड़ी जाति का वाद्य है। यह भी खूब बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। एक हाथ में टिपनी और दूसरे हाथ में खाड़ी की दोहरे चोट से बजाया जाता है। इसकी आवाज बुलंद, तेज व कड़कड़ाती हुई होती है। ढाक बजाने वाले को ढाकी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान ढाकियों की मांग बढ़ जाती है। वैसे यह झारखंड का दूसरा तीव्र अवनद्य वाद्य है। यह बहुत ही बड़ी मोटी लंबी लकड़ी के खोल से बनता है। इसका वजन बहुत होता है। मजबूत आदमी ही इसे प्राय बाएं कंधे पर लटकाकर दोनों हाथों से एक ओर से ही बजाते हैं। इसे एक टिपनी बांस की पतली चिपटी छड़ी और एक लकड़ी बनी पड़ियों कुछ मोटी गोल खाड़ी से पीट कर बजाते हैं। बाएं हाथ से टिपनी से रखकर उंगलियों के जोर से बजाई जाती है तथा दाहिने हाथ पर ताल के अनुसार खाड़ी से पीटा जाता है। इसकी बुलंद आवाज झूमने पर मजबूर कर देती है। ढाक का विशेष अवसरों पर चुमान भी होता है। इसके बजाने वाले भाग को चना और ना बजाने वाले भाग को गद कहते हैं। चना भाग बकरी के चमड़े से तथा गद भाग गाय के चमड़े से मढ़ा होता है। गद भाग के मध्य में लेप लगा होता है। हालांकि अब कृत्रिम चमड़ा भी आता है, उसी से ये मढ़ा होता है। चमड़े का प्रचलन अब ना करके बराबर होने लगा है। यानी हमारे ढाक वाद्य यंत्र जो है वो दुर्गा पूजा के उत्सव में हो, काली पूजा हो, किसी उत्सव में बजाया जाता है और जो बजाते हैं उसे ढाकी कहते हैं। अब आते हैं संथाली ढाक क्या होता है। यह ढाक ही है, परंतु ढाक से इसकी मोटाई कम पर लंबाई 5-6 फीट तक होती है। बजाने वाला भाग कुछ मोटा व दूसरा भाग पतला होता है। यह भी बोझिल होता है। इसे भी मजबूत व्यक्ति एक कंधे पर टांगकर ढाक की तरह ही बजाता है। इसमें भी दोनों ओर के मड़े चमड़े को कसने के लिए रिंग होते हैं। यानी हम ढाक और संथाली ढाक क्या होता है, ढाक को चमड़े के, गाय के चमड़े और चना भाग बकरी के चमड़े से बनता है, उसी तरह संथाली भी चमड़े से मरा हुआ होता है। नेक्स्ट ये है ढाक, ढाकी, जो ढाक बजाते हैं उसे ढाकी कहते हैं। और ये है ढाक जो आप लोग हर उत्सव में देखे होंगे। नेक्स्ट आता है डमरू वाद्य यंत्र। डमरू वाद्य यंत्र क्या होता है, डमरू इस तरह से होता है, आप देखे होंगे, जो शिव भगवान के हाथों पे रहता है। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। डमरू का हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास अक्सर डमरू मिल जाएगा। यानी डमरू एक अवनत्य वाद्य यंत्र है और ये हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इन्हें ज़्यादातर भगवान शंकर के हाथ में दर्शाया गया है। हम जहाँ भी हम लोग हरिद्वार जाए या बनारस जाए या केदारनाथ, काशी, कहीं भी जाए, आप लोग देख सकेंगे कि बहुत सारे साधुओं लोग भी डमरू को हाथ में लेके बजाते हैं। कैसे बनता है डमरू? शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को बीच में से पकड़कर हिलाया जाता है तो यह डला
टुकड़ा पहले एक मूक की खाल पर प्रहार करता है, फिर उलटकर दूसरे मूक पर प्रहार करता है, जिसे डुगडुग की आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। यानी एक टुकड़ा जो रस्सी के साथ बंधा रहता है, जो पहले इस तरह से अगर हम हिलाएंगे तो पहले मुंह पे आवाज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे मुंह पे, तो इस तरह आवाज करके डुगडुग आवाज, इसलिए इसे डुगडुग भी कहते हैं। आज हम अवनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत डमरू और ठाक के बारे में चर्चा किए हैं। थैंक यू।